एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी क्यूटी पाई रानी शर्मा और आज हम लोग देखने वाले हैं वापस से धाकड़ न्यूज। एंड प्लीज ये वीडियो अगर सिंगल लोग देख रहे हैं, सिंगल लौंडे या लौंडिया, तो प्लीज अपनी कुर्सी की पेटी बांध के देखें, अपना कलेजा थोड़ा मजबूत करके देखें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लेट्स स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है धाकड़ न्यूज के इस ताजा तरीन एपिसोड में। आप देख रहे हैं धाकड़ न्यूज, विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेटवर्क, केवल धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। फिर से वैलेंटाइन का त्यौहार वाला महीना यहाँ पे चालू है और लोग अजीब अजीब हरकतें यहाँ पे कर रहा है। तो जिस तरह से पिछले साल हमने आपको लाइव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, तो इस साल भी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे और आपको दिखाएंगे। एक चीज हमें नजर आई है, तो उसको देख के एक शायरी हमें याद आया कि जो बातें जुबान कह गई वो आंखें कह गई, जो बातें जुबान कह गई वो आंखें कह गई, तू झाड़ियों में चली गई, तेरी यहाँ याद रह गई। देखिए इस चीज को, यहाँ पे बैग लटका के उधर गया होगा पेड़ उड़ के पीछे, जो भी बेरोजगार सोचो झाड़ी में जाने से पहले इसका बैग यहाँ पे छूटा हुआ, तो झाड़ियों में क्या क्या मिलेगा, कोई जाना मत तो डर जाओगे। राशि का यहाँ पे ओयो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो झाड़ी और पार्क वार्क का यहाँ पे सहारा लेते हैं, जो गड़बड़ उनका करना होता है उसके लिए। तो यहाँ पे रिपोर्ट हम लोग दिखाएंगे, अभी झाड़ियों में चले काजी, लेकिन देखिए उधर थोड़ा सा बहस बाजी का हो रहा है, क्या है आप लोग आइए देखते हैं। थोड़ा सा ये लोग बहस कर रहा है जी, क्या हुआ हैं, की हो गया यहाँ पे, देखिए ये पक्का डबल डेटिंग का मामला लग रहा है। अरे बात क्या है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, पिछले 3 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, साथ में हैं। पिछले एक हफ्ते से ये फोन नहीं उठा रही है मेरा, और आज मैं यहाँ के देख रहा हूँ तो इनके साथ घूम रही है। वेरी सैड, दिस इज वेरी सैड, मतलब फोन नहीं उठा रही है, फोन नहीं उठा रही है, इनके साथ घूम रही है। काहे जी, काहे दिल तोड़ते हैं, बेचारा का दिल टूट गया। हम इनके साथ नहीं है, अब हम इनके साथ है, ये है मेरा भी है। हाँ जी, तू तुम बॉयफ्रेंड हो? हाँ जी सर, ये हम दोनों साथ में है। और ये लुच्चा कब से परेशान कर रहा है, झूठ बोल लो भैया, ये कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है, झूठ बोल रहा है, ये बॉयफ्रेंड हम है इनके। देखो बेचारा कैसे पागल हो रखा है, इसके पूरे बाल बाल बिखर गए, एकदम पागलों से शक्ल कर लिया इस बेचारे ने। इसकी गर्लफ्रेंड इसको एक हफ्ते से ऐसे ब्रेकअप का सरप्राइज दे दी वैलेंटाइन डे पे। सोचो आपके साथ ऐसा ना 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 ना, मैं दुआ करूंगी आपके साथ ऐसा ना हो, मैं अच्छी लड़की हूँ ना। क्या क्या हुआ मैडम? हम इनके साथ है अब। अच्छा। पहले थे हम इनके साथ, लेकिन फिर ब्रेकअप हो गया हमारा। अच्छा। अब हम इनके साथ। ब्रेकअप हुआ जी? कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है, अभी पिछले हफ्ते मैंने इनको डेयरी मिल्क से ब्रेकअप किया। डेयरी मिल्क दिया? डेयरी मिल्क हमने तो वो रोशन फरारो दिया था। कोची? अरे फरारो रोशन चॉकलेट होता है ना, मिलाई थी पोर्न स्टार चॉकलेट है, चॉकलेट होता है, पोर्न स्टार जैसा नाम है, इसे महंगा का डेयरी मिल्क से? अरे बहुत महंगा सा मिलाई थी, चॉकलेट है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैडम एक बात बताइए, आपको किसके साथ रहना है? हमको तीन ही के साथ रहना, तभी तो हम इनके साथ है, ये आके झूठ मूठ कर रहा है। कैसे इनके साथ रहना पिछले 3 साल से? हमें बड़ा ही, देखिए यहां पे बड़ा ही सेंसिटिव मामला जो है, बड़ा ही संवेदनशील मामला इन लोगों के साथ। एक मिनट, यहां पे बात बताओ कि ओरिजिनल कौन है तुम लोग में? हम है भैया जी, हम है। अरे दोनों ही ओरिजिनल है, मतलब मूर्ति थोड़ी है यार, दोनों ही ओरिजिनल है। क्या क्वेश्चन है, कोई सेंस इस बात का, ओरिजिनल कौन है? लड़की राजी है इसके साथ तो भेज देना चाहिए। ओरिजिनल हम है, ओरिजिनल ये डुप्लीकेट वन भी वाले हैं, प्यार करता है ना, बड़ा ही चुतिया पर चल रहा है प्यार का जी। एक मिनट देखिए इधर अंकल जी हैं, अब बूढ़े बुजुर्गों की सलाह ही ले जाती है इस मामले में, तो इनसे पूछेंगे, इनकी लड़ाई आप लोग देख रहे हैं काफी टाइम। तो ये पहले तो ये बताइए कि वैलेंटाइन बड़ा ही रंगीन दादाजी लग रहे हैं। थोड़ा बहुत सुना है मैंने, ज्यादा नहीं मालूम सर इसके बारे में। अच्छा, तो मतलब इस दिन लोग ना लड़का लड़की चुम्मा चाटी वगैरह करता है आपस में, चुम्मा चाटी तो आपको क्या लगता है करना चाहिए उन लोग को? छोड़ दो, जो मर्जी, तो आप इधर आइए, इन लोग का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा देख के और एक राय दीजिए। चुप, यहाँ पे देखिए आप लोग देख रहे थे बहुत, इन लोग कर रहा था, ये देखिए लड़की है और इनके भूतपूर्व बॉयफ्रेंड है और इनके नए बॉयफ्रेंड है, और एक दोनों आपस में क्लेम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किसके साथ इनको जाना चाहिए? क्लेम देखो बात सीधी सी है सर, जो ज्यादा प्यार करता हो, मतलब प्यार वार ज्यादा कर, कौन करता है जी ज्यादा? अरे हम करते हैं सर, हम करते हैं, झूठ बोल रहा है यार, 3 साल बड़ा ही संवेदनशील मामला, मर के निकल। ये देखिए कह रहा है कि दोनों प्यार करता हो, खाली प्यार जरूरी है? प्यार भी करता हो, प्यार के साथ साथ वेल सेटल्ड भी हो, मतलब वेल सेटल हो ना, कोच कर दो जी तुम। अरे सर हम ग्रुप डी में है, रेलवे में, सरकारी नौकरी है, तुम फिर तो पक्का इसके साथ ही जाएगी लड़की, मैं कह रही हूं गवर्नमेंट जॉब का।
साला यानी बेरोजगार ना हो जी, सरकारी नौकरी से लन वैल्यू है बेरोजगारी सबका है। ये सब मतलब अभी देखो साला डेयरी मिल्क दे रहे हो 10 रुपए का, अभी बताइए सरकारी नौकरी कोई वैल्यू है? कुछ कुछ नहीं वैल्यू, ना वैल्यू नहीं है कुछ साला बेरोजगार का। बताइए एक मिनट कि आप कुछ दिए थे जी, कौन रोसर चॉकलेट था? फेरारो रोसर। फेरारो रोसर ही दे रहा है, कितना का आता है? महंगा आता है ना जी सर, 500 हजार का। 500 हजार का तो साला 20 रुपए का डेयरी मिल्क दे रहा है तुम? से मत तोलिए, अरे नहीं है तीन साल से पैसा उसका नहीं है सब चीज़ पूरी की। अरे अरे उस सबसे कुछ नहीं होगा, देखिए जाके पढ़ाई। मैं भी इसके साथ हूँ, इस लड़की के साथ हूँ। देखो अब ये मत कहना कि लड़कियां सिर्फ पैसों पे मरती है, तुम कौन सी अपनी मतलब घर वाले में जो भी घर पे आपके सिस्टर विस्टर है उसको ऐसे ठेले वाले के साथ शादी करवा दोगे? हाँ प्यार से सिर्फ थोड़ी पेट भरता है, पैसा भी जरूरी होता है, है कि नहीं? टाइम ले लो एक दूसरे से कि हाँ चलो इतना टाइम में सेटल होने के बाद शादी करेंगे। हाँ चीट किया ये गलत बात है, बट टाइम लेके तो साथ में रह सकते हैं यार, बट प्यार से पेट नहीं भरता। आप कभी थोड़ा प्रैक्टिकल होके भी सोचा करो, करो नौकरी लो तब होगा जाके आईएएस बनो। ये देखिए ये बड़ा कोची वजी, ये बैंक किलोरी, ये बैंक की चूत, ये मेरी है, दिस इज माय एंड शी हैज टू कम विद मी एक्चुअली। छोड़िए लोग करने दीजिए, करने दीजिए साला। अब सोचो इतना मुश्किल, कितना मुश्किल होगा उसके लिए। वो शूट कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड का ही वीडियो, देख रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड को दो दो बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ते हुए देख रहा है बेचारा। तुम लोग के साथ सोच लो छोड़िए सबके। अब तो आप लोगों ने देख लिया कि जो यहाँ पे जो मैरिड वैरिड कौची कहता है जी, कपल उपल गांड मना दो, सिंगल लोगों को कोई नहीं पूछता है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे सिंगल लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो कुत्ता भी है जी, इनसे थोड़ी सी हम बात करेंगे। हेलो का जी, ठीक है वैलेंटाइन मनाएगा? सिंगल सिंगल जो आराम से सो रहा है उन्हें अब जाएगा कुत्ती के पीछे। इन लोग से थोड़ा सा बात करते हैं। हेलो जी, चल रहा था तो अभी जैसा वैलेंटाइन पे हम लोग रिपोर्टिंग करना है ताकि ग्राउंड लेवल से एकदम गाड़फा रिपोर्ट लेके आए। तो हमें ये बताइए कि जैसा कि वैलेंटाइन का वीक चल रहा है तो मतलब क्या है, इस तरह का त्यौहार यहाँ पे मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? अब देखिए ठीक है, जिसको रहेगा वो मनाएगा ही, अपनी मर्जी है, कोई मनाए ना मनाए, बट जिसको मनाना है वो मनाएगा, किसी के रोकने से ना चाहने से कोई रुकने वाला तो है। मतलब जिसको मनाना है वो मनाएगा ना। तो जैसे कि हमारे वीडियो में भी बहुत सारे सिंगल लोग देखते हैं और आप लोग भी यहाँ पे सिंगल हैं, तो जैसे जो लोग रोमांस करता है इस महीने में तो क्या लगता है, मतलब देख के बुरा नहीं लगता है धक धक दिल पे? हम दूसरों को क्यों देखेंगे, हम यहाँ खुद रोमांस करने आए हैं। खुद तो नहीं साथ में है जी, ये मदर फकर होली बीच बीच मदर फकर आजू बाजू के लोग क्या कहेंगे कि इसके दोस्त ऐसे ऐसे, मतलब बिल्कुल ही ऐसा काम मत करना कि लड़की ना मिले तो किसी लड़के के साथ ही। बड़ा ही संवेदनशील मामला है यहाँ पे, उससे भी ज्यादा है इस तरह का चीज यहाँ पे कर रहा है, लेकिन सब लीगल है, नहीं तो इनके हम बहुत मार मारते। एक ही चीज कहेंगे कि जो कभी भी जो दो मिसाइल है उसके टकराने से विनाश ही हुआ है आज तक, है कोई भी ठीक नहीं है। बरमुंडा देख रहे हो, विनाश ही होगा कितना ही लीगल हो, तो सोच समझ के। बाबू जी क्या कर रहे हो यार, ये सच में पागल हो गए। आई वांट टू बी पार्ट ऑफ देम एक्चुअली, इन्हीं के साथ रहेगा तो एक्चुअली लाइक व्हाट यू आर डूइंग, आई वांट टू जॉइन देम। वहां पे कह रहा था वो लड़की हमारे रहे हैं तीन, इन्हीं के साथ गड़मर हुआ करेगा तो एक्चुअली जॉइन देम एक्चुअली बिकॉज़ दे हैव एन इश्यूज देयर फॉर योर गर्लफ्रेंड, आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ। तो तू इन्हीं के साथ करेगा कुछ ही? अच्छा वेरी अच्छा यार, आई वांट टू जॉइन, समझ रहा है, कड़वा तेल चाहिए तुमको। कैमरा धरो साला, शिलाजीत लेके साला पगला ले, मेरा कैमरामैन भी बैठ पगला गया है, कौन इसको शिलाजीत पिला रहा है? सच में पगला गया, मतलब वहाँ लड़की इसकी गर्लफ्रेंड निकल गई, वहाँ पे अलग ही इसका मेरी गर्लफ्रेंड है ये वो। अब यहाँ लड़के दिखे तो लड़के के साथ ज्वाइन करो, मतलब दिल टूट गया तो इसका मतलब ये कि तुम अब लड़की छोड़ के अब लड़के के पीछे भाग लो। भैया क्या ये सब, मैं अच्छा हूँ कि मैं अंधी हूँ? मैं
कौन इसको सिलाजीत पिला रहा है, सलवा कह रहा है कि उस लड़की के साथ जाएंगे, यहाँ कह रहा है कि इन्हीं के साथ गंडगोल करेंगे तीन को। बहुत ही सेंसिटिव मामला है, दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। छोड़ो, झाड़ी में भी जाने का प्लान था लेकिन वो प्लान कैंसिल कर दिया गया है। नहीं कर मेरा भी मूड ऑफ हो गया ये सब देख के। का है अब, नॉर्मल आदमी भी बैठा देख के भी वही लग रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया। आई एम आउट ऑफ माय माइंड, फक दिस। बंद करते हैं, आप लोग देखते रहे ढाका न्यूज, अगली बार मिलते हैं बहुत ही गड़बड़ रिपोर्ट के साथ। बरमुंडा, तुम्हारा सिलाजीत बंद करना पड़ेगा बेटो। बंद कराओ यार ऐसे लोगों की सिलाजीत, बताओ। इतना अशर हो गया, उसे लड़का और लड़की दोनों ही चाहिए एकदम कतई। वो ईशान बना फिर रहा है, ईशान को नहीं जानते होंगे तो आप लोग उसके लिए नेक्स्ट वीडियो ईशान पे जरूर बनाऊंगी। आप लोगों को अगर ईशान की वीडियो देखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि वो लड़के और लड़कियों दोनों में ही मतलब इंटरेस्टेड है, वो दोनों के साथ ही मतलब बल्ले बल्ले है। ठीक है, आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना, एंड प्लीज शेयर करना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।